नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। 2022 में देश के 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, आज नतीजों का दिन है, हम एक एक कर बात कर रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं मणिपुर की बात, जहां पर बिहार की पार्टी जेडीयू बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 22 सालों के बाद मणिपुर में एक बार फिर से अपना झंडा लहरा दिया है। एक प्रादेशिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही है, जैसा कि सपना नीतीश कुमार और जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने देखा। अब तक 3 सीटें कंफर्म हो गई है मणिपुर में जेडीयू के नाम पर। एक और सीट है चिरचंदपुर, जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है, जेडीयू आगे चल रही है। इसके अलावा एक और सीट है जहां पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है रुझानों में, लेकिन हम आपको बताते हैं कि तिपाई मुख के अलावे वो कौन कौन सी सीट है जहां पर जेडीयू ने अपना सिक्का जमा लिया है, जीत को अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले बात पहली जीती हुई सीट तिपाई मुख की करते हैं। तिपाई मुख में जेडीयू के उम्मीदवार 6,269 वोटों के साथ जीत गए। इसके अलावे हम बात कर ले थांगे बांध सीट की, तो यहां पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो 13,208 वोटों के साथ जीते। थांगे बांध वो दूसरी विधानसभा सीट है जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं। इसके अलावा जीरीबाम की बात करें तो जीरीबाम में भी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं 12,253 वोटों के साथ। इसके अलावा हम बात करते हैं चुरचंदपुर की, तो यहां पर काफी आगे चल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार 17,852 वोटों के साथ, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 17,072 वोट जो है वो अब तक आए हैं, और जेडीयू के उम्मीदवार को 17,852 वोट आए हैं, काफ़ी आगे चल रहे हैं। 3 सीटें तो जेडीयू की कंफर्म हो गई है, जिनमें जीरीबाम, थांगिम बांध और तिपाई मुख शामिल है। हमने आपको पहले ही बताया था कि तिपाई मुख में जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं उनको टोटल वोट्स जो है वो 6,267 आए हैं, और इसके अलावा 2 और विधानसभा सीट जीरीबाम और थांगे बांध को जनता दल यूनाइटेड ने अपने नाम कर लिया है। चुरचंदपुर में भी स्थिति जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंत में नतीजे क्या निकल कर आते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है, क्योंकि मणिपुर में 22 सालों के बाद जनता दल यूनाइटेड ने सीट जीती है, वो भी एक नहीं अब तक 3 सीटें अपने नाम जनता दल यूनाइटेड कर चुकी है। इसके अलावे एक और सीट चुरचंदपुर में लग रहा है कि जेडीयू के ही एमएलए आएंगे, लेकिन अभी वहां पर कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। एक और सीट जहां पर जेडीयू कांटे की टक्कर दे रही है बीजेपी को, अब देखना होगा कि वो 2 सीटें क्या जेडीयू के नाम होती है या फिर नहीं, लेकिन 3 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नाम मणिपुर में फिक्स हो गई है, और नीतीश कुमार के ही एमएलए मणिपुर की विधानसभा में 3 सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।